तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक लाइन कहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यू थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का भी मजा आएगा। तो इन्हीं बातों के साथ प्यारे स्टूडेंट आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अब हम लोग का जो संस्कृत का टर्मोन एग्जाम है वो बहुत ही हमारे करीब आ चुका है, जिसको हम यहाँ से देख सकते हैं। सर ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब जो आपके पास दिन है वह उंगली पे गिनने जितना है, मतलब कि 10 से 12 दिन ही आपके पास बचे हुए हैं। तो आप लोग का लगातार मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर हम अब संस्कृत की तैयारी को कैसे करें। अब देखिए स्टूडेंट, हर एक टाइप के बच्चे ने मुझे मैसेज किया, लेकिन अगर मैं सबको एक जगह देखूं तो तीन टाइप के बच्चे हमारे पास आए। सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट आए जिनका एकदम फुल सिलेबस कंप्लीट है, मतलब कि CBSE जो आपके अंकल जी हैं जिन्होंने एक सिलेबस आपको दिया था वह उसमें जितना भी लिखा हुआ था बच्चे ने पूरा कंप्लीट कर रखा है, हमारे ही वीडियो लेक्चर से और हमारे ही PDF से, ठीक है। उसके बाद दूसरे ऐसे टाइप के हमारे पास बच्चे आए जिन्होंने कहा कि सर मेरा 50% सिलेबस कंप्लीट है, और उनका यह कहना था कि सर हमने तो पढ़ाई की है, आपने जो वीडियो लेक्चर दिए हैं PDF दिए उसको सॉल्व किया है, लेकिन सर अगर हम अपना कंक्लूजन निकालते हैं तो समझिए मेरा 50% से ज़्यादा कंप्लीट नहीं है। और तीसरे हमारे सबसे खास बिंदास बच्चे आए जिन्होंने कहा सीधा मुंह उठा के कि सर हमारा कुछ भी कंप्लीट नहीं है, हमारा एक जुगाड़ बैठा दीजिए। ऐसा भी एक कमेंट आया था कि सर हमारा कुछ सेटिंग कर दीजिए। तो बाबू जो बता रहे हैं उसको कीजिएगा, बोर्ड वगैरह में हमारा कोई सेटिंग नहीं है जो हम क्वेश्चन वगैरह आउट कर दें, ठीक। तो वह है कि कुछ भी नहीं पढ़ा, उनके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। अब आप तीन टाइप के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट है उनको क्या करना चाहिए। अब 50% वाले और कुछ भी नहीं पढ़ा वाले सोचेंगे अब निकलते हैं वीडियो लेक्चर छोड़ के, अब तो सर इसकी बात कर रहे हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल नहीं, फिर आपका फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको भी वही काम करना है। तो जिनका बाबू फुल सिलेबस कंप्लीट है तो एकदम मोटिवेट हो जाइए, ठीक, एकदम तैयार हो जाइए कि बोर्ड में क्वेश्चन का तो हम बाल ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे घुमा के फेंक देंगे, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाइए। अब आप लोग को करना क्या क्या है सोच समझिएगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा बाबू। आपको क्या काम करना है, सबसे पहले CBSE का सैंपल पेपर ऑफिशियल सॉल्व कीजिए, ठीक है। CBSE का सैंपल पेपर जो है ऑफिशियल उसको सॉल्व कीजिए। आप पूछेंगे कि सर बेस्ट सैंपल पेपर कौन है, तो मैं अभी एक संस्कृत टीचर होने के नाते कोई भी सैंपल पेपर को सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे नज़र में सबसे बेस्ट CBSE का सैंपल पेपर है। इसके पीछे का एकमात्र कारण है स्टूडेंट कि बहुत सारे पब्लिकेशन के हमने सैंपल पेपर देखे, उसमें मैंने देखा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन को भी पुट कर दिया गया है, तो यह तो आप लोग को गलत मतलब दिशा में भटका देगा। इसलिए जिनका भी सिलेबस कंप्लीट है सबसे पहले CBSE के सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। उसके बाद टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे अभी बहुत सारे सैंपल पेपर जो हम खुद अपने हाथ से बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस अकॉर्डिंग टू CBSE उसको वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। 3 से 4 सैंपल पेपर प्रोवाइड कराएंगे, वही एकदम रामबाण हो जाएगा, सफिशियंट हो जाएगा, एग्जाम से 2-3 दिन पहले दे देंगे, ठीक। उसके बाद अभी जिनका फुल कंप्लीट है वह क्या कर सकते हैं, 160+ MCQ हमने वीडियो आपको दिया है जो हर एक टॉपिक का 15 से 20 मिनट का है, तो शुरुआत के 5-6 मिनट में आपका पूरा जो टॉपिक है उसका रिकैप हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, और उसके बाद आप 5 मिनट में MCQ कर लेंगे। उसमें MCQ में कौन कौन से ट्रिक हम लोग लगा के आंसर ला सकते हैं, सही कर सकते हैं, वो भी बताया है। तो जिनका भी फुल सिलेबस कंप्लीट है वो बस इतना करें। उसके बाद एक काम और कीजिएगा, आज अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि कल से हमने वहाँ पे चैप्टर ये टॉपिक वाइज PDF देना शुरू कर दिया है। पहला PDF अब्बे का जा चुका है, तो उसको सॉल्व कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे उसका फोटो भेज दीजिएगा, चेक करके आपको बता देंगे। तो यह तो हुआ जिनका फुल कंप्लीट है उनके लिए। अब सर हम वीडियो छोड़ के चले जाएं? नहीं, वीडियो छोड़ के नहीं जाना है। क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ एक बार और अपने बाबू के साथ दो बार। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 50% वाले के बारे में बात करते हैं कि सर मेरा तो 50% है कंप्लीट, हम क्या करें। तो देखिए सबसे पहले आप एक पेज लीजिए। जी सर ले लिए।
अब क्या करना है, एक ऐसे बीच में डंडा खींचिए और एक लिखिए बाबू, इधर लिखिए सेमूसी। अब बाबू इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे बिहार में छोटे भाई बहन या स्टूडेंट को बउआ, बाबू यह बोला जाता है, ठीक है। तो इसको गलत सेंस में नहीं लीजिएगा, सेमूसी और व्याकरण, आप लोग मेरे छोटे भाई बहन ही हैं, ठीक, इसको आपने लिखा। अब देखिए कि व्याकरण में कौन कौन सा टॉपिक आपका लेफ्ट है उसको लिख लीजिए, ठीक। कोई भी टॉपिक मान लीजिए एक्स वाई जेड आपका लेफ्ट है, फिर सेमूसी में कौन कौन सा टॉपिक लेफ्ट है उसको लिख लीजिए। अब सेमूसी में क्या खास बात होती है कि कुछ बच्चे समझते हैं कि चैप्टर जो है उसको पढ़ लेंगे एकदम राजा भैया बन जाएंगे एग्जाम में, तो नहीं, सेमूसी का चैप्टर पढ़ना तो ज़रूरी है। क्वेश्चन चैप्टर पे नहीं आता है, चैप्टर के अंदर से आता है, अलग फॉर्म में आता है, जैसे प्रश्न निर्माण, उचित अर्थ और भाषिक कार्य। तो यह तीनों का वीडियो लेक्चर हम दे चुके हैं, वहाँ पर क्या क्या करना है सब बता चुके हैं। अब आपने मतलब कि बंटवारा कर लिया कि क्या क्या मेरा बाकी है, तो सबसे पहले सेमूसी को निपटा दीजिए क्योंकि बहुत मलाईदार टॉपिक है, एकदम कम समय में आपका 15 नंबर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आइए व्याकरण पे। व्याकरण पे अगर समास वगैरह में दिक्कत हो रहा है तो टेंशन की बात नहीं है, चैप्टर से आता है समास, चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड करा देंगे, उसको रट लीजिएगा, काम चल जाएगा। सर कैसे रट लेंगे, तो 25-30 आपको हम इम्पोर्टेंट दे देंगे, उसको निगल लीजिएगा, एग्जाम में जाके उगल दीजिएगा, उसके बाद जय श्री राम कर दीजिएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाए तो बाबू आप क्या काम कीजिएगा, यही सीबीएसई का सिंपल पेपर सॉल्व कीजिएगा, और टाइम मिले तो आप लोग क्या करेंगे, वन शॉट वीडियो वगैरह को देखेंगे, और जितना जल्दी हो सके पेज निकालिए, उस पर लिखिए और कंप्लीट कीजिए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि सर हम कूद चुके, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले बच्चे पे जो कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। और जो चाहते हैं कि हम पर्सनली उनको गाइड करें, पढ़ाएं, उनका प्लान बना के उनकी तैयारी करवा दें संस्कृत की, ठीक, तो आप प्रो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, एक फुल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा। अब चलिए देखते हैं जो कुछ भी नहीं पढ़े उनके लिए कौन कौन सा काम करना चाहिए। अब देखिए बाबू, सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा कि सर हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, टेंथ में ही नहीं, नाइन्थ में भी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ना एट में पढ़े हैं, सर क्या, सर 10 दिन में हम कुछ तीर मार सकते हैं? तो सही मायने में अगर जो जो कह रहे हैं अगर आप करते हैं तो 10 दिन के अंदर आप 40 में 40 ला सकते हैं। और ये मजाक में मैं नहीं कह रहा हूँ, कितने बच्चों ने लाया है, सारा एक एक टॉपिक का पूरा चिट्ठा खोल देंगे। तो सबसे पहले बाबू यह काम कीजिए कि आप अपनी मतलब खुद की प्लानिंग कीजिए, खुद का टाइमिंग बैठाइए और जो जो बोल रहे हैं उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। और आपसे नहीं हो रहा है, आपको चाहिए कोई पर्सनली आपको मेंटरशिप करे, कोई गाइड करे, आपका प्लान बनाए, तो आप प्रो बैच को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, पूरी तैयारी में करवा दूंगा। उसके बाद पहला काम आपको करना है कि 2 घंटे का आपको समय निकालना है संस्कृत पढ़ने के लिए, ठीक। अभी से अगर 2 घंटे आप नहीं देते हैं, अगर सही मायने में आपका एक भी टॉपिक कंप्लीट नहीं है, तो फिर एकदम संस्कृत को भूल जाइए। आइएगा एग्जाम से 2-3 दिन पहले मैसेज कर दीजिएगा, कुछ वीडियो कंटेंट ये सब दे देंगे, 25-26 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा एक रात की तैयारी में। लेकिन अभी भी आप चाह रहे हैं कि हमें 40 में 40 लाना है, तो आपको अभी से 2 घंटे देने पड़ेंगे। एक खास बात बताते हैं बउआ, 90 मार्क्स अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे कोई भी सब्जेक्ट का, मान लीजिए एक स्कूल में आप देखेंगे, तो 90 मार्क्स लाने वालों की संख्या कितनी हो जाती है, 50 हो जाती है। वहीं पे अगर हम 95 की बात करें तो यह 50 घट के कितना हो जाता है, मात्र और मात्र 20 रह जाता है। और यही हम 100 में 100 की बात करें तो मात्र 1 या 2 बच्चा ही इस नंबर को ला पाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जितने नंबर हम ऊपर बढ़ते रहते हैं, एक नंबर के लिए हमें कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, समझे। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा 2 घंटे प्रतिदिन। उसके बाद आपको अब क्या काम करना है, आपकी संस्कृत पढ़ने की हैबिट नहीं है तो आपको सेमूसी और व्याकरण दोनों को बाबू साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। सर कैसे लेकर चलेंगे, तो आप आज से काम कीजिए, 1/2 घंटे सेमूसी की पढ़ाई कीजिए और 1.5 घंटे आप क्या काम कीजिए, व्याकरण की पढ़ाई कीजिए, तभी पॉसिबल है, ठीक है। 1.5 घंटे व्याकरण की पढ़ाई आप लोग कीजिए। सर पढ़ाई कैसे करें वह बताइए। उसके बाद आपको बता रहे कैसे करना है,
जैसे सेमुसी में स्टूडेंट आज से जब भी आप वीडियो देख रहे हैं हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर हमने डाल दिए हैं। इतना आपसे प्रॉमिस करते हैं कि उस कोई भी टॉपिक को हमने पढ़ाया है तो यह मान के पढ़ाया है कि कोई बच्चा पहली बार उस टॉपिक को देखने आ रहा है, उसने न 9th में पढ़ाई किया, न 8th में पढ़ाई किया, न ही 10th में पढ़ाई की है संस्कृत की। तो आपको क्या काम करना है, जैसे सेमुसी के आपने चैप्टर 1 की वीडियो देखे आधे घंटे का ख़त्म, फिर दूसरे दिन चैप्टर 2 के देख लीजिए, फिर तीसरे दिन चैप्टर किसके देख लीजिए 4 के देख लीजिए, 3 आपको नहीं पढ़ना है, और चौथे दिन आप क्या कीजिए चैप्टर 5 के देखिए। यह हो गया कंप्लीट। व्याकरण में आपको क्या काम करना है, आप कोई भी टॉपिक से उठाइए जो भी आपकी इच्छा हो। जैसे आपने संधि का उठाया तो संधि का एक 45 मिनट का वीडियो है फुल संधि, उसको देख लीजिए। टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, उसको सॉल्व कर लीजिए, डेढ़ घंटे में एक एक टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ऐसे 5 से 6 टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं व्याकरण में, 5 से 6 दिन में ख़त्म हो गया, लेकिन 1.5-2 घंटे बैठिएगा एकदम पलथी वगैरह मार के तभी तो कंप्लीट होगा ना, तो इसको कीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप करते हैं तो हो जाएगा। फिर सेमुसी में जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो तुरंत आप पहला काम कीजिए कि उचित अर्थ को पढ़ लीजिए। उचित अर्थ क्वेश्चन है, 9th नंबर क्वेश्चन है, उचित अर्थ को चुने, शब्दार्थ याद रहेगा बनेगा। उसके बाद प्रश्न निर्माण बता दिए कि कैसे बनाना है। उसके बाद भाषिक कार्य विशेषण विशेष उसी में सब आता है, भाषिक कार्य में ही कर्तृपद क्रियापद सब बता दिए हैं। तो एक एक करके फिर इसका वीडियो देखना शुरू कर दीजिए और प्रैक्टिस पीडीएफ शुरू कर दीजिए। 2 घंटे रोज पढ़ेंगे, अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है बउआ तो 2 घंटे अगर तुम रोज पढ़ते हो तो वादा करते हैं कि 7 से 8 दिन में पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। या तो खुद से कीजिए, नहीं तो आप प्रो बैच को ज्वाइन करके प्रो बैच से भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। तो इतना सब कुछ आपको करना है। अब सारे चीज़ आपके पास है, सारा प्लान आपके पास है, मोटिवेशन आपके पास है, हम आपके पास है। सर आप कहाँ हैं हमारे पास, आपसे तो जुड़ ही हुए हैं, मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब कमेंट कर सकते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है। उसके बाद आपकी समस्या होगी कि सर अभी तो हमें न धातु याद है न संस्कृत पढ़ने आता है, संस्कृत में मार्क्स लाने के लिए कोई 30 मार्क खान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना है। और स्मार्टनेस बार बार कहते हैं क्रीम पाउडर लगाने से तो होता नहीं है, ठीक, स्मार्टनेस आता है काम करने से। कोई भी टॉपिक का वीडियो देखिएगा एकदम आपको समझ में आएगा, उसके बाद आप सिंपल पेपर करके देख लीजिए कि कैसी आपकी स्थिति है। तो कीजिएगा बाबू तभी होता है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे इन्हीं 3 टाइप में आप स्टूडेंट होंगे, या तो कुछ भी नहीं पढ़े होंगे या 50% या पूरा कंप्लीट होगा। तो इन्हीं प्रैक्टिकल जो चीज़ हमने बताया है उसको आजमाइएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक में। अब एग्जाम का जो दिन है, हमारे बिहार में कहावत है कि उंगली पे गिनने जितना दिन है, मतलब 10 से 12 दिन है, जिसको आप फिंगर पे भी काउंट कर सकते हैं। तो अब पढ़ने शुरू कर दीजिए, नहीं तो हमारे इधर एक और कहावत है कि एक हेरा होता है, क्या होता है हेरा, उसको कितना भी मारपीट कीजिए उसमें कोई भी फर्क नहीं होता है। तो अगर कोई बच्चा हेरा हो गया है, जिसको लाख समझाए, लाख वीडियो दे, लेक्चर दे, पूरा बेसिक से दे दे, पीडीएफ दे दे, फिर भी नहीं पढ़ रहा है, तो फिर अब हम क्या करें। तो वही कहावत अप्लाई होगा कि हे हेरा केने जाइ छा आ लात जूता खाई छी घर में रही छी, ठीक। हमारे यहाँ कहावत है कि एक बच्चा रहता है जो पढ़ने वाला नहीं रहता है, तो उसको कुछ भी कर दीजिए, कैसा भी मास्टर के पास ले जाइए, वो नहीं ही पढ़ता है। तो वही है कि लात जूता सब खाता है, घर में रहता है, पढ़ाई नहीं करता है। तो आप हेरा ना बने, पढ़ाई कीजिए, ठीक, और जहाँ भी दिक्कत है आप हमसे पूछिए, ठीक, क्योंकि आपके हौसले अब बहुत बड़े होने चाहिए, क्योंकि आपके सामने टर्म 1 खड़े हैं, ठीक। तो आप चलिए अपने उम्मीदों को लेकर, अपने सपनों को लेकर, अपने हौसलों को लेकर, और उसमें हम आपके साथ हैं आपके एग्जाम के दिन तक, ठीक। कहीं भी आप मदद के लिए पुकारेंगे कि आयु सर हमें यहाँ दिक्कत है, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, वर्चुअली रूप से, ठीक। और जो आसपास के हो तो हमसे मिल के भी समस्या सुलझा लेते हैं अपनी। अब इससे ज़्यादा क्या कहेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद।